एक बार जोरदार तालियां, मजा आ गया। रवि ये गाना सुन के तुझे भी किसी की याद आई? इसकी नहीं आनी चाहिए थी। मुझे तो ये याद आई थी जब से ये गाना है ना, इश्क चलिया, मैं चलिया खा खा के अपना पेट फुला लिया है। ये भाई इंसान है, उसको हर दिन हर सेकंड लव एट फर्स्ट साइट होता है। मेरे को तो बार बार होता है, एक मिनट जरा थोड़ा सा प्रपोज करने को। नहीं मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज आपको प्रपोज कर ही लूँ, क्योंकि डेब्यू मूवी आएगी तो हिट जाएगी, उसके बाद इतनी सारी मूवीज हिट चली जाएंगी ना, तो फिर मैं लाइन में पीछे ही रह जाऊंगा। माई गॉड ना जाए यार, छोड़ के मैं मर जाऊंगा। इतनी प्यारी बात कही है ना, ये ले मैं मरने वाला हूँ। ये मर जा, मर जा, मर मर जा, प्यारी एक्टिंग। अबे चुप, मुझे बोलता है। और एक बार आप भी अपने नहीं, मैंने देखा कि मूवी में इतने प्यारे प्यारे सीन है पाजी, मतलब पापा ने तो बहुत ज्यादा कहते ना एक्टिंग में हर चीज कर ली है ना, पूरा जोर दिखाया, पूरी एक्टिंग एक्शन सब कुछ कर लिया, लेकिन जो पापा नहीं कर पाया वो लड़के ने कर लिया। पापा से आगे निकला और पापा की निगरानी में किया ना, ये वो चीज है। मतलब मैं जवाब चाहूंगा इसका, पर सवाल ये है कि इंडियन माँ बाप बहुत ना बच्चों को पीटते बहुत हैं। मेरे माँ बाप को पता लग गया मुझे छोड़ेंगे नहीं। आपके अपने डायरेक्ट किए मूवी और वो ट्रेलर में एक सीन भी आया था, उन्होंने एंजॉय भी बहुत किया। आपने कितना तो पापा ने कुछ कहा तो नहीं? बेटा देखो, आज नहीं होगा तो कल, कल नहीं होगा तो परसों, सेम शॉट कर लेंगे वापस। अगर आज नहीं आएगा तो ऐसे पापा होने चाहिए कि फुल चांस दे रहे हैं। विशेष बात तो है नहीं, भी तू कहना क्या चाह रहा है कि तेरी किस्मत खराब है, ये उनकी ज्यादा अच्छी है, इनकी ज्यादा अच्छी किस्मत है। तो मूवी जो है इतने इतने अच्छे अच्छे जगह पे शूट हुई है, पहाड़ी इलाकों पे शूट हुई है, हमने मेकिंग भी देखी थी उसकी है ना। मेकिंग में मैं देख रहा हूँ कि बड़ा स्ट्रगल किया है कि मौसम ऐसा था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मौसम तो बहुत खराब था, चार बार जाना था हमको उधर, पहली तो बारिश हुई थी, फिर आइस गिरी, फिर उसके बाद बारिश वापस हुई, फिर फाइनली थैंक गॉड शूटिंग खत्म हो गई थी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे, मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, लेकिन जैसा कि आप सब लोगों ने देखा बहुत ही टफ लोकेशंस पे शूट किया, क्योंकि 20 तारीख को हमारी फिल्म देखिएगा मलबली के पास या थिएटर्स में हमारे, प्लीज जरूर जाएंगे। लेकिन एक बार आप इनको आई लव यू कह दो ना लड़कों को, अब ये गोल्ड क्लास में भी देख ले जाएंगे टिकट। चक्कर पता ही है, जो लड़कियों वाला कोटा था खत्म हो चुका है उधर, अब लड़के सारा एक्साइटेड है, लड़के लड़कों में जोश ज्यादा होता है ना। ऊपर से शिमला सबसे ज्यादा मजा ठंड में आता है शूट करने का, और एक टाइटल ट्रैक जो अपने पल पल दिल के पास हो, माय गॉड, हर हर आशिक के दिल में वो ट्रैक बज रहा है। एक बार हम यहाँ पे बजाएंगे उस पर, अगर आप कपल डांस कर दे तो प्ले द ट्रैक प्लीज।
रियलिटी में उससे भी ज्यादा अच्छी है, मजा आ गया देख के। और यही यही फ्लेवर देखने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और आहो ने एक वीडियो तैयार की थी, यहाँ के बच्चों ने आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी बेस्ट विशेस भेजी एक्सक्लूसिवली आपके लिए, आपके लिए। हमारे तो हम उसको प्ले करेंगे एक बार। इन इसी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने स्पेशल कहा कि बेस्ट विशेस देंगे उन्होंने आपको, बेस्ट विशेस। वो वीडियो प्ले करनी है, लेकिन अगर आप ऐसे ही साथ में अगर आप करेंगे, एक बार हम पहले मूवी के लिए बोले गुड लक फॉर पल पल दिल के पास, क्या बोले गुड लक फॉर फ्लैश लाइट सॉन्ग करके गुड लक फॉर, बहुत खूब बहुत खूब। मूवी के लिए गुड लक बनता है, बनता है ना। हाँ जी सनी देओल जी, जिन्होंने पंजाब की शान भी कहा जाता है, उन्होंने बेटा करण देओल अपनी फर्स्ट डेब्यू मूवी सहर नाम आ रहा है 20th September मूवी का नाम है जी पल पल दिल के पास। मैं तो जरूर जाऊंगा, ¡Gracias!